हे गाइस, क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज कोई फाइट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम कलेक्शन दिखाएंगे हमारे स्टेडियम का, जो कि है काफी सारे कलेक्ट करे हैं हमने, तो उसी का आज देखना है भाई कितना सारा हमारे पास होते हैं स्टेडियम्स। मैंने थंबनेल भी लिया है, उसमें लगभग दिख चुके होंगे। तो मैं उनकी मेमोरी शेयर करूंगा, साथ में कैसे मैंने बाय किए, ये सब कुछ करेंगे गाइस। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले जो स्टेडियम हमारे पास आता है वो है ये टकरा टोमी का स्टैंडर्ड स्टेडियम है, जो कि काफी टाइम तक इसने हमारा साथ दिया है। लगभग 1 से 2 साल तक इसने हमारा साथ दिया है। इससे पहले हमारे पास ब्लैक स्टेडियम था, वो घर पे पड़ा है, वहाँ पे जहाँ पे मेरा होम टाउन है, तो वो वहाँ पे पड़ा है ब्लैक स्टेडियम। सेम ऐसा ही है ब्लैक स्टेडियम, तो ये हमारा एक टाइप से तीसरा स्टेडियम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको रखते हैं अभी साइड में। ये हमारा पहला स्टेडियम था और इसको मैंने कितने में बाय किया था, 5,000 में बाय किया था भाई, 5,000 लगे थे इसके भाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेडियम जो है हमारा ये डीबी स्टेडियम है, इसको भी शायद हमने 5,000 कुछ में ही बाय किया था, या फिर 7,000 स्टेडियम था तो ये 5,000 का था। हाँ ओके, तो ये मैंने किससे लिया था, ये भाई किससे लिया था मैंने, योगी से लिया, पता नहीं यार मेरे को नहीं पता किससे लिया मैंने ये, मैं भूल गया हूँ। और देखो इसके काफ़ी स्क्रैचेस पड़ चुके हैं आज के टाइम पे, तो इस पर तो ये एक टाइप से काफ़ी वो हो चुका है पुराना, लेकिन अभी भी पूरा ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। जितना हमारा स्टैंडर्ड स्टेडियम यूज़ हुआ उतना ये यूज़ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, और जो थर्ड स्टेडियम हमारा आता है वो है ये भाई। इस स्टेडियम ने हमारा को मतलब क्या ही बताएं, ये काफ़ी टाइम तक रहा ये स्टेडियम, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा क्रैक आ चुके हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो लाइन, यहाँ पे जो लाइन है ये भाई बहुत, अब इस पर फाइट हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं इसको यूज़ भी नहीं करता आज के टाइम में। नहीं तो ये मेरा फेवरेट स्टेडियम होता था ये, लेकिन आज के टाइम में इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ये हैशब्रो के नए आए हैं अभी हमारे पास। पहले मेरे पास स्टेडियम ज़्यादा थे नहीं, तो अभी हैशब्रो के जितने आए थे मैंने सारे ले लिए हैं लगभग। ये हमारा नॉर्मल कौन से वाला था ये मैं भूल गया भाई, जो भी है ये था हमारा ब्लू वाला हैशब्रो का स्टेडियम, और इसको मैंने बाय किया था कुछ 5,000 रुपीज़ में। एक स्टेडियम रहता है इंटरस्टेलर वाला, वो वाला हम बाय करेंगे जल्दी ही, डबल डेकर कह सकते हो उसको, तो वो अभी बजट नहीं बन रहा, नहीं तो वो भी अभी बाय कर लेते। तो ये हमारा है थर्ड स्टेडियम कह सकते हो, थर्ड ये है। वैसे ये साथ में ही आए थे तो थर्ड एक टाइप से सभी लगा लो। ये मेरा फेवरेट है, ये जो स्टैंडर्ड स्टेडियम है उसके बाद में ये ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये काफ़ी मस्त था और ग्रीन लुक में बेबलेट काफ़ी अच्छे लगते हैं भाई इसके अंदर। और ये थे हमारे स्टेडियम। उसके बाद सबसे बढ़िया इसमें सारे गिमिक हो जाते हैं भाई, सारे के सारे ही लगभग, और हाँ इसमें फाइट थोड़ी सी कम होती है, बट ये स्टेडियम सबसे बेस्ट कह सकते हो हमारे, मैं यार मेरे लिए सारे ही बेस्ट हैं, तो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इनके साथ सबका स्कैन भी है गाइस, और हाँ जितने भी ये स्टेडियम मैं दिखा रहा हूँ इनका जो बाय लिंक है वो व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मिलेगा गाइस। ठीक है, तो वहाँ से जाके बाय कर सकते हो, यहाँ पे एक आइकन होगा व्यू प्रोडक्ट का, अगर टैप करोगे तो वहाँ पे जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो इनका प्राइस वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट स्टेडियम है जो मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद है नहीं, वो है ये भाई मेटल सीरीज का स्टेडियम है, और ये हम बैलेंस टाइप बेब्लेट्स के लिए बना है, बैलेंस टाइप बेब्लेट्स के लिए, और इसमें मेरे को बाउंड्री लगानी पड़ेगी, मैं इसको अटैक टाइप बनाना है, तो नहीं तो ये अभी तो अटैक टाइप है नहीं, बट कोई बात नहीं इसको भी रखते हैं साइड में। उसके अलावा यार ये है एक अलग सा, ये और एक दो और पड़े हैं, वो स्टेडियम नहीं कहेंगे उनको, एक टाइप से ट्रैक कह सकते हैं हम, क्योंकि वो थोड़े से एक तो हमको ये अनलिमिटेड स्टैमिना वाले के साथ मिले थे, और एक और था, छोड़ो उनको छोड़ो यार वो अलग है। तो ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी टोटल कलेक्शन भाई, ये देख सकते हो यार इतने सारे हैं हमारे पास, कितने यूजेबल बता रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेडियम है जो हमारे पास जो कि वो यूजेबल हैं, उसके अलावा रेड वाला नहीं कर सकते यूज़ हम, और ये दो तो टूटे ही हुए हैं यार, छोड़ो उनको। तो बताओ यार क्या बताएं, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और आगे बहुत सारे और बाय करने की करेंगे ट्राई गाइस, जो भी हमको मिलेगा वो हम बाय कर लेंगे भाइयों।
ठीक है, मेरे को एक तो मेटल फ्यूजन का एक स्टेडियम है वो काफ़ी पसंद है, वो चाहिए, और एक मेरे को इंटरस्टेलर चाहिए, और मेरे को मोटराइज्ड स्टेडियम भी चाहिए। तो इसको इन टोटल मिला के कह सकते हो कि काफ़ी सारे हो जाएंगे, और मेरे को इनको रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट मैं इनको सेल नहीं करना चाहता। अरे मैं भूल गया था, अरे भाई वो हमारा एक चहीता, वो अभी यूज़ नहीं है गाइस, उसको 4000 लाइक्स हो चुके हैं, तो उस पर पेंट करना बाकी है अभी यार, उसको तो दिखाना भूल ही गया था मैं, वो हमारा एनिमे स्टेडियम है। तो ठीक है, ओके, तो बताओ गाइस कैसी लगी है वीडियो आज की, और हम एम करते हैं आज की वीडियो पे लाइक्स 4000 लाइक्स का, तो 4000 लाइक्स करवा दो गाइस, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।